हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलीव इन लर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। क्लास 10th एंड 12th यूपी बोर्ड्स के लिए अब अपडेट्स कुछ ऐसी आ रही हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं कि आखिरकार पहली बात तो ये कि 10th वालों का क्या हो, कि 10th वालों के एग्जाम्स हो कि ना हो, 12th वालों के एग्जाम्स हो कि ना हो। बहुत सारे आर्टिकल्स निकल के आ रहे हैं, ट्विटर पर ट्रेंडिंग चलता चला ही जा रहा है कि हाँ अब एग्जाम्स कैंसिल। यहाँ तक कि पीएम को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लेटर तक लिख कर दिया है कि सर प्लीज एग्जाम्स को कैंसिल करा जाए, क्योंकि इतनी टफेस्ट कंडीशन में एग्जाम्स देना हमारे लिए सुटेबल नहीं होगा, सेफ नहीं होगा। अगर अब बात करें 10th स्टैंडर्ड्स के यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, तो पहली बात तो अगर आप बाकी कंपेयर करें, बाकी स्टेट्स बोर्ड ने अपने एग्जाम्स कैंसिल करे, 10th वालों के 12th वालों के जून के लिए डाल दिए गए अपडेट में कि जून में हम इन्फॉर्म करेंगे। और अगर बात करें सेंट्रल सीबीएसई ने, तो ओवरऑल कैंसिल करे थे, इसके बाद सारे स्टेट बोर्ड ने कैंसिल करे, बट अभी सिर्फ यूपी बोर्ड ऐसा बचा हुआ है जिनके लिए 10th का कुछ ना कुछ अभी तक रिजल्ट नहीं आया। अब 12th वालों के लिए देखिए, पहली बात तो 10th एंड 12th 5th मई तक, 5-2 मई को यहाँ के इलेक्शन वगैरह सब ओवर हो रहे, उसके बाद मई के फर्स्ट वीक में यानी कि 5 मई तक ऐसी वो दिखाई जा रही है, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, ऐसे आसार हैं कि आपका वो डिटेल जो शेड्यूल है वो आगे का आ सकता है। 20th में तक बताया गया था कि एग्जाम्स नहीं होंगे, एग्जाम्स पर कोई वो नहीं ली जाएगी, लेकिन मई के फर्स्ट वीक में ये डिसीजन लिया जाएगा कि 10th के एग्जाम्स होने या नहीं, क्लियर उसका वो मिल जाएगा आपको, और 12th के एग्जाम्स कब होने। एक चीज और, 12th के जो एग्जाम्स हैं वो जून या जुलाई में ही होंगे, 20th में तक तो होने नहीं है। बोर्ड्स की प्रोटोकॉल होती है, रूल्स होते हैं कि एग्जाम्स होने के 10 से या 15 दिन पहले बताया जाता है, इस वजह से 20 मई तक आपके एग्जाम्स नहीं होने थे। इस कारण से अब आपके जो भी लिया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा डिसीजन, वो होगा जून और जुलाई के पेपर, क्योंकि लास्ट ईयर जुलाई तक सीबीएसई ने पेपर लेके गए थे, तो यूपी भी लेके जा सकते हैं जुलाई तक, तो जून में ही आपके पेपर होंगे, मई में तो अब नहीं होंगे, ये 100% क्लियर हो गया है। और इसके बाद 10th वालों के लिए भी डिसीजन शायद इस बार आ जाए कि एग्जाम्स होने या नहीं। 12th वालों के तो एग्जाम्स होंगे ही होंगे, उनको प्रमोट करना पॉसिबल नहीं है, किस बेसिस पे करा जाएगा, तो 12th वालों के तो एग्जाम्स होंगे वो चाहे जून में हो चाहे जुलाई में, बट मई के लास्ट वीक तक एग्जाम मई में नहीं होने, अब जून में होंगे। प्लस यूपी बोर्ड के लिए सबसे खराब सिचुएशन इस समय ये क्रिएट हो रही, 56 लाख स्टूडेंट्स हैं, पहली बार यूपी बोर्ड के हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि 56 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं 10th एंड 12th में। और जो सेंटर्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जो कोविड के अकॉर्डिंग सेंटर्स बनाए गए थे कि एक सेंटर पे कितने बच्चे हम बैठाएंगे, वो भी अब पूरे नहीं पड़ रहे, क्योंकि 56 लाख बच्चों के लिए यूपी बोर्ड के पास उतने सफिशियंट सेंटर्स नहीं बन पा रहे हैं कि वो 56 लाख बच्चों को बैठा सके। तो ऐसी कुछ संभावनाएं बताई जा रही कि सर 10th के का क्लियर कट जब पहला मई के फर्स्ट वीक में जो निर्णय आने वाला, उसमें 10th वालों के लिए तो सीधे आएगा कि प्रमोट हो रहे हो या एग्जाम्स कब होंगे, और 12th वालों के लिए तो जून में ही एग्जाम्स होंगे, जून या जुलाई में, अगर कंडीशन बुरी नहीं होती, इससे भी ज्यादा अगर सिचुएशन नहीं कोविड की सही होती, डे बाय डे खराबी होती जाती, तब यही है कि आपको किसी ना किसी बेसिस पे प्रमोट करा जाएगा, अनटिल और अनलेस अगर इतनी खराब सिचुएशन नहीं होती। अगर सिचुएशन सही होती है, आप हैंडल होती हैं, तब आपके एग्जाम जून और जुलाई में कंडक्ट कराए जा सकते हैं, बाकी 5th मई तक शायद अपडेट आ जाए 100% ऑफिशियली, जैसे कुछ आता है हम आपको अपडेट कर देंगे। टिल देन कीप लर्निंग, ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।